नमस्कार, स्वागत है आपका आज की अमर उजाला की इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ अंशिकी जड़िया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बॉलीवुड जगत की पांच बड़ी खबरों के साथ। बॉलीवुड के जाने माने स्टार अर्जुन कपूर और एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर की अपकमिंग फिल्म द लेडी किलर काफी चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म से जुड़े अभी तक कई अपडेट्स भी सामने आ चुके हैं। इन सभी के बीच फिल्म का ट्रेलर अब रिलीज भी हो चुका है। फिल्म के इस ट्रेलर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर का एक नया अंदाज देखने को मिल रहा है। फिल्म के ट्रेलर में आपको मिस्ट्री और थ्रिल भरपूर देखने को मिलने वाला है। अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर फिल्म द लेडी किलर के 2 मिनट और 22 सेकंड के ट्रेलर को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में अर्जुन कपूर नशे की हालत में देखे जा सकते हैं, तो वहीं ट्रेलर में भूमि पेडनेकर का नया अंदाज देखने को मिल रहा है। ट्रेलर में भूमि पेडनेकर और अर्जुन कपूर के कई रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिले। इसके अलावा आपको मिस्ट्री और थ्रिल का एक फुल डोज देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि ट्रेलर आने के बाद सोशल मीडिया पर भी काफी पसंद किया जा रहा है। बॉलीवुड के फेमस स्टार किड्स की बात किया जाए तो उसमें सारा अली खान का नाम अक्सर आता है। एक्ट्रेस को लाइमलाइट कैसे बटोरनी है ये उन्हें बहुत अच्छे से पता है। बता दें कि सारा अली खान ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म केदारनाथ से किया था। कई बार वो अपनी धार्मिक यात्राओं की झलक फैंस को दिखाती हैं, तो कभी विदेश टूर की। अब एक बार फिर एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर केदारनाथ यात्रा का वीडियो शेयर किया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए केदारनाथ के वीडियो में सारा अली खान ने अपनी यात्रा का अनुभव सबके साथ शेयर किया है। इस वीडियो में वो केदारनाथ के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती हैं। वो एक स्थानीय जगह पर साग काटती हैं, एक शिविर में रहती हैं, बहते पानी से अपना चेहरा धोते हुए और धूप में सोते हुए भी देखी जा सकती हैं। सारा का ये पूरा वीडियो बहुत ही पॉजिटिव वाइब दे रहा है और उनके फैंस को भी काफी पसंद आ रहा है। बॉलीवुड की फैशन क्वीन सोनम कपूर अपनी एक्टिंग के साथ साथ फैशन सेंस के लिए भी खूब जानी जाती हैं। अदाकारा हमेशा अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं, फिर चाहे अवार्ड फंक्शन हो, शादी लुक हो या फिर रैंप वॉक ही क्यों ना हो, हमेशा सोनम कपूर अपने लुक से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। रविवार को सोनम कपूर एक फैशन शो का हिस्सा बनी जहां उन्होंने रैंप वॉक किया, लेकिन फैशन क्वीन का ये रैंप वॉक लोगों को कुछ खास रास नहीं आया और उन्होंने काफी ट्रोल भी किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो बेहद धीरे धीरे वॉक कर रही हैं और सोनम की ऐसी चाल देख नेटिजंस उनका मजाक बना रहे हैं। जानी मानी एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने फैंस के साथ एक गुड न्यूज शेयर की है। दरअसल एक्ट्रेस ने नया घर खरीदा है और गृह प्रवेश पूजा करते हुए फोटोज भी शेयर की हैं। काजल अग्रवाल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और रोजाना इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा करती रहती हैं। इस बार भी काजल ने अपने नए घर की कुछ फोटो साझा की हैं, जिसमें वो पति संग गृह प्रवेश पूजा करती हुई देखी जा सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है, इस हफ्ते की शुरुआत में हमारे पवित्र घर के लिए हमने गृह प्रवेश पूजा की। ये प्यार का एक श्रम जो अब हमारा घर है। बता दें कि एक्ट्रेस के इस पोस्ट को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। उर्फी जावेद अक्सर अपने अतरंगी अंदाज और सतरंगी कपड़ों से लोगों के दिमाग पर छाई रहती हैं। कई लोग उर्फी के फैशन सेंस को लेकर उन्हें ट्रोल भी करते हैं, तो वहीं कुछ लोग उर्फी के कॉन्फिडेंस की दाद देते हैं। अब अदाकारा का नया लुक सामने आया है, जिसे खुद एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है। उर्फी जावेद अब बॉलीवुड लुक्स को कॉपी करती हुई देखी जा सकती हैं। बीते दिनों अपने जन्मदिन पर उन्होंने हेरा फेरी के आइकॉनिक किरदार बाबू भैया का लुक कॉपी किया था। तो वहीं अब अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया में राजपाल यादव के छोटे पंडित का किरदार उन्होंने कॉपी किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उर्फी जावेद ऑरेंज और रेड कलर की धोती पहने हुई नजर आ रही है, चेहरे पर लाल कलर लगाया हुआ है, बालों का जोड़ा बनाया हुआ है और गले में गेंदे के फूलों की माला पहने हुए कानों के पीछे अगरबत्ती लगाई नजर आ रही हैं। अब एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर लोगों की भी मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसी बॉलीवुड जगत की खबरों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।